हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिप्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाली है। दरअसल ये फिल्म रिपोर्ट्स की माने तो लव रंजन की नेक्स्ट फिल्म होगी जिसमें ये दोनों सितारे एक साथ नजर आएंगे। और लव रंजन ने रणबीर कपूर के साथ अजय देवगन को भी अपने फिल्म के लिए कास्ट किया है। तो वहीं जहां दीपिका पादुकोण को रणबीर कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया है, तो अभी तक ये फाइनल नहीं है कि आखिर अजय देवगन के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस लीड रोल में नजर आएंगी। दरअसल दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से पहले रणवीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी को बेहद पसंद किया जा रहा था, लेकिन अचानक ये रिश्ता टूट गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और 2015 में दोनों की आखिरी फिल्म तमाशा देखने को मिली, लेकिन उसके बाद उन दोनों ही सितारों ने एक साथ काम नहीं किया। लेकिन एक बार फिर से ये दोनों ही सितारे एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं आपको बता दें, दीपिका पादुकोण अपने बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ 14 या 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही है, लेकिन वो अपनी दोस्ती को भी कायम रखना चाहती है। इसके लिए उन्होंने लव रंजन की नेक्स्ट फिल्म में वो रणवीर सिंह के साथ नजर आ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर दीपिका के साथ एक बार फिर से काम करते दिखेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बॉलीवुड की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड क्रंच।